हेलो फ्रेंड्स, मैं दिनेश शर्मा। आज आपको सनी की साढ़े साथी 2017, मतलब सनी की साढ़े साथी 2017 में किस किस राशि पे असर करेगी, प्रभाव करेगी, उस पर से मैं बताना चाहता हूँ। सामान्यतः सनी अभी जिन जिन राशि को प्रभावित कर रहा है वो है तुला राशि, वृश्चिक राशि, धनु राशि और मकर राशि। मतलब जिन व्यक्तियों की तुला राशि है, वृश्चिक है और धनु है मकर, उन्हीं पर शनि का अभी वर्तमान में असर चल रहा है। अब अपन शनि को देखते हैं कि शनि का ट्रांजिशन है, कैसे चल रहा है। जैसे शनि वृश्चिक राशि में दिनांक 2 नवंबर 2014 से 26 जनवरी 2017 तक चलेगा वृश्चिक में। इसके बाद शनि धनु में दिनांक 26 जनवरी 2017 से 24 जनवरी 2017 तक चलेगा। ओके, अब फ्रेंड्स हम देखते हैं कि शनि की साढ़े साथी 2017 में मकर राशि पे क्या असर करेगी। शनि की साढ़े साथी 2017 में मकर राशि पर प्रभाव, जिनकी जिन सज्जन की, जिन फ्रेंड्स की या जिन जातक की, व्यक्ति की मकर राशि है, उसकी जो है मकर राशि वालों की शनि का पहला ढैय प्रारंभ होगा। जैसे ही शनि 26 जनवरी 2017 को वृश्चिक राशि से बदलकर धनु में आएगा तो मकर राशि वालों को पहला ढैय प्रारंभ हो जाएगा। ये यहाँ पे 2.5 साल धनु राशि में, मतलब 2.5 साल पूरा का पूरा शनि का गोचर चलेगा और शनि का चलेगा वहाँ पे। इसके बाद शनि मकर राशि में आएगा तो उस व्यक्ति का दूसरा ढैय प्रारंभ होगा, और जब शनि कुंभ में आएगा तो उस का जातक का तीसरा ढैय प्रारंभ में यहाँ पे होगा। और इसके बाद शनि यहाँ पे पूरा 7.5 साल रन करने के बाद शनि का कार्यकाल जो होता है, साढ़े साथी जो होती है 7.5 वर्ष की होती है, शनि एक राशि में 2.5 वर्ष रन करता है और पूरा 12 राशियों का जो शनि का गमन है वो 30 साल में ऐसा पूरा होता है। तो शनि बहुत धीरे धीरे चलने वाला ग्रह है, इसलिए साढ़े साथी जो है थोड़ा प्रभाव देती, तकलीफ देती है। ओके, तो ये मकर राशि वाले जो जातक है उनके लिए प्रभाव है। मकर राशि वालों को क्या क्या सावधानी रखना है शनि की साढ़े साथी में, क्या उपाय है वो मैं आगे बताऊंगा। कोई भय नहीं है, कोई डर नहीं है, कोई टेंशन की बात नहीं है। नेक्स्ट, शनि की साढ़े साथी 2017 में धनु राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगी। जिन जातक की धनु राशि है उनकी साढ़े साथी वृश्चिक से ही चालू हो गई है। जब वृश्चिक थी तो उसका पहला पाया था और अभी उसका दूसरा चालू हो जाएगा। जैसे ही 26 जनवरी 2017 को शनि वृश्चिक में आएगा तो उसका दूसरा ढैया प्रारंभ हो जाएगा और यहाँ 2.5 साल चलेगी और इसके बाद तीसरा ढैया उसका मकर में जाने पे होगा। ओके, तो धनु राशि वालों के लिए पहले से ही साढ़े साथी चल रही है तो कोई उनके लिए नई बात नहीं होगी। हाँ, इतना जरूर है कि उनका जो है दूसरा ढैया प्रारंभ हो जाएगा। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि जो जिनकी धनु राशि है उनको 5 साल अभी साढ़े साथी और झेलना है। तीसरा, जिन सज्जन की तुला राशि है उनके लिए तो खुशखबरी है। जैसे ही 26 जनवरी 2017 आएगा तो तुला राशि वालियों की, राशि वाले जातकों की साढ़े साथी शनि साढ़े साथी खत्म हो जाएगी, क्योंकि तुला राशि वाले की साढ़े साथी ऑलरेडी जब शनि महाराज कन्या में थे तब से चल रही है। यहाँ पूरा 5 साल हो जाएगा और यहाँ पे पूरा 26 जनवरी को 7 साल हो जाएगा। तो जो तुला राशि के जातक है वो साढ़े साथी से मुक्त हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे। बधाई हो भाइयों। नेक्स्ट, शनि की साढ़े साथी वृश्चिक राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगी। जिन सज्जन की वृश्चिक राशि है उनको साढ़े साथी पहले से ही चल रही, जब तुला में शनि थे तो प्रारंभ था उनका पहला ढैया, अब दूसरा ढैया चल रहा है और ये तीसरा ढैया यहाँ पे चलेगा। 2.5 साल इनको यहाँ पे, और अभी जो जातक जिनकी वृश्चिक राशि है उनको 2.5 साल शनि की साढ़े साथी और बाकी 2.5 साल पश्चात वो भी मुक्त हो जाएंगे। तो इस तरीके की तीन राशियों पर मैंने बताया आपको, 4 राशियों पर शनि का प्रभाव मैंने बताया। और जो शनि का जो प्रभाव देखा जाता है वो चंद्र कुंडली से देखा जाता है, क्योंकि चंद्र कुंडली से ही राशि कुंडली बनती है। सज्जनों, अब इतने आपकी साढ़े साथी तो प्रारंभ हो गई, किसी की तो खत्म हो गई, अच्छी बात है, किसी की प्रारंभ हो रही है।
तो उसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। बहुत सारे जो है स्त्रोत बताए गए हैं, मैं किसी भी व्यक्ति को कभी भी कोई नगीने नहीं बताऊंगा और ना कोई टोटके बताऊंगा। मैं केवल आपको पाराशर ऋषि ने जो ज्योतिष की होरा शास्त्र किताब में लिखा है, सिर्फ उसके बारे में बताऊंगा कि स्त्रोत पाठ मंत्र पाठ से शनि की शांति होती है और दान करने से शनि की शांति होती है। तो सिर्फ इसके अलावा मैं कोई तीसरे आपको उपाय बताऊंगा नहीं। शनि की साड़ी, शनि महाराज के लिए कई प्रकार के स्त्रोत हैं, जैसे कि वज्र पंचर कवच है, अष्टोत्तर नामा वाली स्त्रोतम है, शनि रक्षा स्त्रोतम है, शनि अष्टक स्त्रोतम है, और ये सब कोई ब्रह्मा पुराणों से लिए गए हैं, कहीं ग्रंथों से लिए गए। शनि शनि भार्या स्त्रोतम है, शनि नाम स्तुति में, शनिश्चर स्तवराज है, पिपलाद ऋषि कृत शनि स्त्रोतम है, नवग्रह स्त्रोतम, ये सबसे अच्छा है। ये जो नवग्रह स्रोतम है, ये पूरे एक आप ही इतना केवल कर लेंगे नवग्रह स्त्रोतम, तो उससे नवग्रह की पूजा एक साथ हो जाती थी, इससे बेहतर क्या होगा, सबसे सरल भी है। तो मैं आपको तो ये सजेस्ट करता हूँ, बाकी आपकी जो इच्छा है जो करें, या आपको कई पुराने पंडित हैं और आपके शुभचिंतक के वो बताए हैं, या तो उसको भी कर सकते हैं, लेकिन ये नवग्रह स्त्रोतम मुझे सबसे बेहतर लगता है। जपा कुसुम संकांशम कांस्य पेयम महादुतिम तमोवरी सर्व पापघ्नम प्राण तो अस्मि दिवाकरम, तो ये वाला जो मेरे को तो बहुत ही भाता है, तो इसको मैं सजेस्ट करता हूँ, आपकी जो इच्छा आगे करना है। ओके, इसके बाद शनि रक्षा स्तवम है, अथ दशरथ कृत शनि स्त्रोतम भी है, तो तीस दूसरा भाग है, और एक जो है पद्म पुराण कृत स्त्रोतम है, नवग्रह पीड़ा स्त्रोतम है, पूरे नवग्रह की पीड़ा करने के लिए भी बहुत अच्छा है, नवग्रह स्त्रोतम है, नवग्रह कवच है। इस तरीके से बहुत सारी शनि के स्त्रोत दिए हैं, स्त्रोत का ही पाठ करने की मेरी मैं आपसे निवेदन करता हूँ। शनि का मंत्र भी होता है, आप जिसको करे तो शनि का मंत्र भी कर सकता है, ओम प्राम प्रीम प्रों सौ सन्वे नमः, 23,000 मंत्र करने की बात कही गई है, क्योंकि ये ऋषि पाराशर कृत होरा शास्त्र में भी 23,000 मंत्र की बात आई है, और जाप का समय दोपहर बताया, जो संभव नहीं आज के दौड़ भाग के जीवन में, तिलक तेल तो उड़त तो लोह पात्र काला, ये दान दे सकते हैं, दान से दान की बड़ी महिमा मैं बताई, दान आप लोग गरीब को लोगों को दीजिए, बिल्कुल दान के लिए सिलेक्शन बहुत अच्छे लोगों को होना चाहिए, कोई जरूरी नहीं है किसी व्यक्ति विशेष को दान दे, जो गरीब है हॉस्पिटल में दान देने का अच्छा तरीका, अनाथालय में दान देने का तरीका, जो जरूरतमंद है। और जब शनि की साड़ी साथी चली तो आपको चाहिए कि आपका व्यवहार बहुत सज्जन शालीन होना चाहिए, यदि आप लगातार गलत काम करते जाएंगे और आप गलत प्रवृत्ति में इन्वॉल्व होंगे, अनैतिक कृत्य करेंगे, तो आपको शनि महाराज आपको इन मंत्रों को जाप करने के बाद माफ़ नहीं करने वाला है। वृहत पाराशर होरा शास्त्र में कई चीज़ें ऐसी बताई है स्पेशली, जैसे कि दान, जप, विष्णु सहस्त्र नाम, शिव सहस्त्र नाम, नाम महामृत्युंजय मंत्र, जप, गुरु प्रदत्त मंत्र, स्वाध्याय करना, धर्म शास्त्र का पठन पाठन, जैसे रामायण, गीता, भगवत पाठ, हनुमान चालीसा, सुंदरकांड आदि विभिन्न प्रकार के स्त्रोत पाठ, जैसे राम रक्षा स्त्रोत आदि बताए गए। आप इतने सारे तो आप कर नहीं सकते, तो कोई एक सेलेक्टेड आप करिए, हो सकता है ऑलरेडी आपको कुछ एक चल रहा है तो वो करिए, और शनि का एकाध नवग्रह स्त्रोतम बताएं वो कर लीजिए, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं, इतने सारे करना भी नहीं चाहिए, आप परेशान हो जाएंगे, और फिर इसी में बहुत आदमी परेशान होता है। कोई एक करिए, यदि लगातार आप कोई एक पाठ ऑलरेडी कर रहे हैं तो भी आपको कोई टेंशन नहीं है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इनमें से कोई एक जब पाठ करे परेशान ना हो, प्रतियोगिता वाले छात्र पाठ करें लेकिन कोई एक पाठ करे, वो भी ज़्यादा परेशान नहीं करे, उनका कंपटीशन ज़्यादा जरूरी है, ना कि शनि का पाठ करते रहेंगे, तो वो भी प्रतियोगिता वाले साथ बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं, आप एक पाठ जो कर रहे हैं वो करेंगे। गरीब व्यक्ति जिसके पास कुछ ना हो तो भाई दान भी नहीं दे सकता, तो प्रभु का नाम ले, जिस स्तर पर लेगा उसको शांति होगी, क्योंकि जिसके पास वैसे ही कुछ नहीं तो शनि महाराज उसका कुछ नहीं कर पाएगा, जब वो गरीब ही है तो गरीब आदमी का शनि वो क्या और करने वाला है, तो वो टेंशन नहीं है, प्रभु का नाम ले, उसको जितना बनता करे, ना दान देने का पैसा देंगे तो ना दे, जब है ही नहीं तो कहाँ से देगा, तो कोई टेंशन नहीं है, प्रभु का नाम ले सब उत्तम होगा। गर्भवती माता और किशोरी बालिकाओं से निवेदन है कि कोई व्रत ना करें, भाई आप गर्भवती माताओं को बहुत पौष्टिक तत्वों से भरपूर भोजन करने की जरूरत होती है, किशोरी बालिकाओं को पौष्टिक तत्वों से भरपूर भोजन करने की जरूरत होती है, आप लोग किसी प्रकार का व्रत ना करें, टेंशन ना लें, केवल आप कोई पाठ कर सकते हैं, नवग्रह स्त्रोतम मैंने बताया, या विष्णु सहस्त्र नाम होता है, या जो है हनुमान चालीसा है, जो भी आपको लगे उनमें से कोई एक करें, और खासकर कॉम्पिटिशन वाले छात्र बिल्कुल छोटा सा पाठ करें, और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े, पढ़ाई करने में समय लगाए, बिल्कुल शनि के नाम पे बिल्कुल कंपटीशन वाले स्टूडेंट को परेशान होने की जरूरत नहीं है, शनि उनका कुछ नहीं करेगा। विष्णु सहस्त्र नाम बहुत अच्छा तरीका है, मैंने बता दिया हूँ आपको। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स, ये शनि की साढ़े साथी वर्ष 2007 में तुला, वृश्चिक, धनु, मकर राशि में
असर करेगी, प्रभाव करेगी, तुला राशि मुक्त हो जाएगी और इसके बाद मकर राशि का 7.5 प्रारंभ होगा। तो मकर राशि के साथ जो जातक है उनसे निवेदन है, जरा सा भी टेंशन नहीं लेने की जरूरत नहीं है। ईश्वर की प्रार्थना में इतनी ताकत है कि बड़े से बड़ी होनी अनहोनी जो है कट जाती है, बशर्ते ही आपकी चाल चलन और आपकी नीति और आपकी नीयत साफ सुथरी होनी चाहिए। यदि आप गलत काम लगातार करते जाएंगे और किसी तरीके से ये जप स्त्रोत पाठ का सपोर्ट लेना चाहेंगे तो होगा नहीं। ऋषि पाराशर ने गृह शांति अध्याय में स्पष्ट लिखा है कि ये तो जो व्यक्ति शुद्ध मन से ही इनका पाठ करेगा उनको लाभ होगा। ऐसे बदमाश व्यक्ति जो लगातार अपराध करते जाएंगे और इस तरीके से अपराध करके बचने का प्रयास करेंगे इन मंत्र जंत्र से, तो उनका कोई लाभ नहीं होने वाला है। अपने शुद्ध मन से ये सब चीज़ों को पाठ करेंगे तो बहुत फायदा होगा। शनि से जरा सा भी डरने की जरूरत नहीं है। जो व्यक्ति कहता है कि शनि आपका कि हाँ अनहोनी करता है, आपको हमेशा नुकसान करता है, उस व्यक्ति को ज्योतिष का ज्ञान नहीं है, ये जान लीजिए। बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है और एक पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। अरे ऋषि पाराशर ने बोला है कि स्त्रोत पाठ करना, तो आप स्त्रोत पाठ करिए, विष्णु सहस्त्रनाम पाठ करिए, सूर्य आदि हृदय स्रोत का पाठ करिए, इतने सारे शनि के मैंने पाठ बताए वो बात किए, शनि का 108 नाम है वो लीजिए, काहे को 1 रुपया भी खर्च करना। बिल्कुल 1 रुपये खर्च करने की जरूरत नहीं है, जरा सा भी डरने की जरूरत नहीं है। जब शनि की 7.5 प्रारंभ होती है तो क्षणिक क्षणिक कठिनाई और परेशानी प्रारंभ होती है, इससे मैं नकार नहीं सकता हूँ। वो परेशानी केवल शनि के कारण होती है, ऐसा जरूरी नहीं है। आपके जीवन में कई प्रकार के संकट अनेक ग्रहों के कारण आ सकते हैं। तो मित्रों, सभी के जीवन में कोई ना कोई संकट आता है, ऐसा दुनिया में कोई व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में संकट नहीं। तो संकट आते हैं और जाते हैं, और शनि की 7.5 भी इसका ये मतलब नहीं कि 7.5 साल आपको बर्बाद कर दे। किसी की हेल्थ की प्रॉब्लम हो जाती है, किसी के जॉब में अनबन होने लगती है, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती रहती है, खटपट चलता रहता है। आप जैसा चाहोगे बहुत पॉजिटिवली करियर आगे नहीं बढ़ता, लेकिन आप स्त्रोत पाठ करोगे और मन साफ रखेंगे, किसी से बहस नहीं करेंगे, गलत नहीं काम करेंगे, तो शनि महाराज ऐसे व्यक्तियों को नहीं छेड़ेगा। क्योंकि ऐसे व्यक्ति जो साधु होते हैं और साधु व्यक्तियों को कभी शनि महाराज नहीं छेड़ेगा। साथियों, मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि मैं प्रेरणा से और आगे ऐसे वीडियो बनाऊं और आपको जो सटीक बातें हैं वो बता सकूं, जिससे आप लुटें पिटें ना। मेरा उद्देश्य ये है कि आप कम से कम लुटें ना। जिस तरीके से मार्केट में शनि के नाम पे डर फैलाया जाता है और बहुत बड़ी बड़ी पूजा बनाई जाती है, और ये कहेगा कि ये मंत्र का पाठ मेरे से करवा लो, ऐसा आप कतई नहीं करना। मैं मंत्र का पाठ हम स्वयं करेंगे कि ना, संस्कृत के श्लोक गलत भी हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। सवाल ये है कि ईश्वर की प्रार्थना किसी भाषा की मोहताज नहीं है। आप हिंदी में बोलो, अंग्रेजी में बोलो, उर्दू में बोलो, ईश्वर की प्रार्थना तो ईश्वर की प्रार्थना होती है, किसी शब्दों की मोहताज नहीं है। सवाल है कि आप सच्चे मन से प्रार्थना करेंगे तो आपको निश्चित रूप से फल मिलेगा। थैंक यू। हरे कृष्णा।